नमस्ते भारत। फिर से प्रकृति की दिशा में एक कदम और। देहरादून से हम लोग आज फिर मुलाकात करते हैं प्रकृति प्रेमी और बांबू आधारित कार्यालय में। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका एक छोटा सा परिचय और हम लोग यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से है, वो क्या करने के लिए आए हैं और आप क्या काम करते हैं? जी, मेरा नाम कृतिका अष्टेकर है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और बैम्बू से मेरा पहला परिचय मेरे इंटर्नशिप के दौरान हुआ था, कॉलेज में जब मैं थी। बैम्बू पैकर करके बैंगलोर की कंपनी है जो फर्नीचर में पहले काम करती है। उनको कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन के लिए मुझे उन्होंने चुना और मैं वहाँ पर गई। उन्होंने मुझे काफ़ी इंट्रोड्यूस कराया बैम्बू केस से। आर्टिसंस काफ़ी अच्छे थे, परमेश्वरन अय्यर सर हैं। उसके बाद मेरा बैम्बू से नाता जुड़ गया। मेरा आर्किटेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने जॉब करी, उसके बाद वापस मैंने बैम्बू यू का कोर्स लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। नॉर्थ ईस्ट का पूरा ट्रैवल करके उसका पूरा आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल हाउसिंग कैसे होते हैं, उसकी जॉइंटीज क्या होती हैं, लोगों से बातें करी, बैम्बू मैट्स वगैरह कैसे बनते हैं, बैम्बू की स्पीशीज़ और कौन सी नॉर्थ ईस्ट में है, वो सब हम लोग समझ के पूरा एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप करने के लिए अवनीश भाई के यहाँ पे हरमिट्स होम में आए हैं जी, ऑक्सीजन पार्क में। और यहाँ पे हम लोग एक पवेलियन डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके। जो 500 स्क्वायर फीट का है, 20x30। अभी बहुत सारा काम हो गया है और बहुत सारा काम बचा है, जिस दौरान हम लोग इंटरेक्ट करके एक दूसरे से मिलजुल करके डिज़ाइन इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कुछ और एडिशंस हो रहे हैं और जॉइन भी सीख के उसको पूरा कंप्लीट करेंगे जी। आप और आपकी टीम जो है ऑल ओवर इंडिया से ऐसे ही अलग अलग प्रकृति प्रेमी व्यक्ति को यदि बाम्बू डिज़ाइन से रिलेटेड या प्राकृतिक तरीके से फार्म हाउस डिज़ाइन करना हो जी, तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो है वो वर्क करने के लिए पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल पहुँच सकते हैं। उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जिसमें डिज़ाइन और जो बैम्बू मिलेंगे, जो बैम्बू यूज़ होता है उसकी जॉइनरी और कहाँ से आएगा, कितना लगेगा, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होगा, साइट एक बार देख के फिर उसका और आगे पीछे कि नंबर ऑफ बैम्बूज कौन से लगेंगे, यहाँ पे कौन सा चल सकता है, नहीं चल सकता, वो सब देखेंगे। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बराबर। तो ये 3 दिन के अंदर में आपको अनुभव आपका कैसा रहा? चलो वर्क भी आप लोग कर रहे हैं वो प्रकृति के लिए कर रहे हैं और आपके आर्किटेक्ट की टीम पूरी जो है वो यहाँ पर वर्क के लिए आई हुई है, तो फील आपको कैसा लगा देहरादून जगह के हिसाब से? क्या देहरादून बिल्कुल नेचर सेंट्रिक लगा है, बहुत सीनिक व्यूज़ हैं जी। पीछे अवनीश भाई की जो साइट है, पीछे पूरा फॉरेस्ट है, आगे भी आगे का जंगल है, तो आने का रास्ता बहुत सुंदर है। और वहाँ पे जो एमिनिटीज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ जो लगती हैं इंसान को सस्टेन करने के लिए, वो है वहाँ पे। ओके। तो और वहाँ पे इंट्रोडक्शन और हो जाएगा तो और बेहतर है जी। अभी और इम्प्रोवाइज करना है, बन जाएगा तो बेस्ट प्लेस फॉर होम स्टे या सिटी लाइफ से आपको दूर होके यहाँ पे रहना है तो बेस्ट जगह है ये। यस, मतलब मोटा मोटा अगर फैमिली के साथ भी आना है तो वीकेंड पे भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आना है, मतलब कॉलेजियन के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, बुजुर्ग भी वहाँ पर आकर जो है अपना प्राकृतिक ढंग से जो है आनंद ले सकते हैं। डेट विद नेचर, या आप उसके साथ रहो और आपको बहुत पीस मिलेगा वो वाली जगह। जी जी जी। यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ये है प्रकृति के साथ में जीने का एक आनंद, ये लुफ्त हम लोग तो ले रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग इस तरीके के फार्म हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं या खुद के फार्म हाउस बना रहे हैं, उनको भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो आर्किटेक्ट बेस के थ्रू, तो हम यहाँ पर नाम वगैरह और नंबर वगैरह डाल देंगे। आप लोग जो है कभी भी कॉन्टेक्ट करिए और न्यू जनरेशन को जो है आगे बढ़ने में और प्रकृति का साथ देने में उनका सहयोग करिए। थैंक यू वेरी मच।